आज मुकालमे में हमने दावत दी है नौजवान गुरुकार अकदस हाशमी। अकदस हाशमी क्लासिकी गायकी में अपना एक मकाम बनाने में कोशा हैं और बहुत अच्छी गायकी करते हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मौसीकी को समझते हैं, मौसीकी को जानते हैं, उसकी तारीख के हवाले से इनका अपना एक मुताला है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मौसीकी को पढ़ के समझ के ये उसमें अपनी जो है सुनाई तो पलो हम मनवा रहे हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। इसे पॉज करूं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी और मैं हूं फरहंदा शमी। आज मुकालमे में हमने दावत दी है नौजवान गुरुकार अकदस हाशमी। अकदस हाशमी क्लासिकी गायकी में अपना एक मकाम बनाने में कोशा हैं और बहुत अच्छी गायकी करते हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मौसीकी को समझते हैं, मौसीकी को जानते हैं, उसकी तारीख के हवाले से इनका अपना एक मुताला है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मौसीकी को पढ़ के समझ के ये उसमें अपनी जो है सुनाई तो पलो हम मनवा रहे हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा अब्दुल सर, जो आपका तारुफ कराया अभी कुरैशी साहब ने, उसको सुनकर मुझे तो यूं लगा कि आपकी शख्सियत में तालीम, तदरीस और नगमगी बुनियादी अनासर है और उन्हीं को लेकर आप चलना चाहते हैं और ख्वाहिश है कि आप उसमें नाम बनाएं। तीनों चीज़ें एक ही शोबे की आपको लगती हैं प्रैक्टिकल में या ये सब अलग अलग शोबा ज़्यादा जिन्हें आपने जगजा कर दिया? बुनियादी तौर पे जो अदब है, लिटरेचर है, इसके जुमला शाखें जो भी हैं उनमें अगर हम शायरी को ले लें या किसी भी चीज़ को ले लें। अच्छा, अदब दीगर शोबा जात हिंदी से अलग क्यों है? ये डिस्टिंग्विश कैसे होता है नेचुरल साइंसेस से, सोशल साइंसेस, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो अदब है वो माहौल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हम आहंग है। अगर इस कायनात में नरमगी है तो अदब में भी नरमगी है। अगर इस कायनात का कहकशां का कुछ तसलसल है तो अदब में भी तसलसल है, जो शायरी की सूरत में हमारे सामने आता है। अगर इसके नाक में छुपे हुए भेद हैं तो वो अफसाने की सूरत में हमारे सामने, अलामतों की सूरत में आ जाती हैं। तो मेरे तो ख्याल में ये सब चीज़ें अदब का हिस्सा हैं। तो ये जो तसव्वुर है कि जनाब, यानी ऑड लगता है हमारी सोसाइटी में, दीगर सोसाइटीज़ में तो शायद ऐसा ना हो, थोड़ी ज़्यादा आगे हैं या बाशऊर हैं, हम भी बहुत बाशऊर हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अटक से जाते हैं बाज तसव्वुर। उनमें एक तसव्वुर ये भी बड़ा अजीब और गरीब सा है कि जी अगर कोई सियासतदान है तो वो गाना नहीं गा सकता, अगर कोई मजहबी स्कॉलर है तो वो कोई फाइन आर्ट्स का काम ना करे, अगर कोई पढ़ाता है, मौलिम है, तदरीस दर्स देता है तो वो इधर उधर के मौजूआत या इधर उधर की शक्ल ना अपनाए। क्या समझते हैं कि इस दौर में भी जबकि उलूम की भरमार है और उलूम इकट्ठे हो गए हैं एक शख्सियतों में भी, दो में भी, बहुत सारे, क्या ये ऐसे कॉन्सेप्ट देर तक जिंदा रहते हैं? ऐसे कॉन्सेप्ट कतई तौर पर देर तक जिंदा नहीं रहते। और आपका सवाल अहम है बहुत ज़्यादा, दौरे हाजिर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा। अब जब फर्ज करें हम अदब की रवायत को पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, इवन कि हमारे फोर फादर्स जो हैं ये हमें यही कहते हैं कि हमने एक ही शख्स से मुख्तलिफ उलूम सीखे। तो क्या वो एक शख्स मुख्तलिफ उलूम पर कादिर था? सही। अगर शेख सैयद अहमद खान थे, अगर डिप्टी नज़ीर अहमद थे या इन जैसे जो भी लोग थे, एक असनाफ से ज़्यादा, एक शोभा जात से ज़्यादा शोभा जात पर उनको दस्तरस होती थी। टेक्नोलॉजी के बाद से समाज में खास तब्दीली ये आई कि छाप लगना शुरू हुई चीज़ों की कि वो सिंगर है। मैं वैसे बुनियादी तौर पर ये पसंद नहीं करता कि मेरा तारुफ सिंगर के तौर पर कराया जाए। पब्लिक इंटेलेक्चुअल एक बड़ी अच्छी संत है। एक फिलोसोफर थे मिशेल फोको,
बुनियादी तौर पर लिंग्विस्टिक के माहिर थे, लिसानियात दान थे, इनके कुछ तसव्वुरात थे जुबान के निशानात के हवाले से जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं या इस तरह। फोको को वायलिन पे भी अबूर हासिल था, फोको को पियानो पे भी अबूर हासिल था, वो फलसफी भी था, ख्याम को देख लें और खलील जिब्रान, अल-बेरूनी सब लोग ये कैसे लोग थे बुनियादी तौर पर। जी एक दानिश्वर जो होता है, दानिश्वर की अपनी जिंदगी में समाज में क्रेडिबिलिटी ये होती है कि वो मुख्तलिफ अलूम को सीखना चाह रहा होता है। मैं जब भी बात करता हूँ इल्म मौसीकी पे तो मैं इसको इल्म मौसीकी ही कहता हूँ, फन मौसीकी नहीं कहता। मुझे बात होता ऐसा नहीं हुआ फन मौसीकी है तो ये फन मौसीकी ही, लेकिन वो समाज में कॉनोटेशन उसकी ऐसी हो गई है कि वो उसको फन मौसीकी में प्रसीव करते हुए उसको महदूद कर देते हैं। जब इल्म कहा जाएगा तो इल्म बहुत सारे हो सकते हैं और मैं कई इल्म अडाप्ट कर सकता हूँ, इल्म किसी की मिरास तो नहीं है, तो इसी तरह मैंने ये इल्म मौसीकी। अच्छा तो साहब शोबे की तरफ आए तो उसमें ना तो आपने पॉप का इंतखाब किया, पॉप सिंगिंग का, ना ही आपने लाइट मौसीकी ली, बल्कि आपने क्लासिकल और कव्वाली को अपनाने की आया और फिर कव्वाली की रवायत को जिंदा करने के लिए बड़े पुरअज़्म हैं। तो बताएं इसके बारे में कुछ हमें कि ये खसूसी तौर पर आपके जहन में क्लासिकल गायकी और कव्वाली की जो रवायत है वो जिंदा और ताज़ा कैसे हुई। असल में थोड़ा सा एक मजहबी और अदबी घराने से ताल्लुक़ था और कुछ खानदान में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके उर्स वगैरह होते हैं तो उन पर कव्वाली होती थी, तो बचपन से मैं आप ये समझें कव्वालों में ही पला बड़ा, कव्वालों में बैठा। तो और कव्वाल भी जाहिर है वो पीर खाने का बच्चा समझ के ज़्यादा हाथ रखते थे और सामने करते थे, वो दूर नहीं करते थे, हाथ रखते थे और वो देखते थे अगर इसमें जरासीम मौजूद हैं तो इसको ना किया जाए। हमारे यहाँ अमूमन अप्रिशिएट नहीं किया जाता, हौसला शिकनी ही की जाती है, तो वो थोड़ा ना अनायत के चक्कर में भी ये ऐसा शायद करते होंगे, जो भी बात है खैर उनकी उसने नज़र था उसने जान था। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जो आला अहमद मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये मुझे मैंने बचपन से देखा है। एक सबसे खूबसूरत लम्हा ये होता था कि कव्वाल जब अपनी नशिस्त जमा रहे होते हैं ना, तो शुरू में एक चिश्त की एक रवायत भी है महफिल समा की, साजीना कहते हैं, पाँच से दस मिनट कहीं तो इसको एक एक घंटा, अगर शेफ की फरमाइश है कि सजीना जारी रखो, इसको तोड़ना नहीं है। तो ऐसे ऐसे वारिस भी देखे जिनमें एक एक घंटा सिर्फ सजीना ही जारी रहा और उस पर कई लोगों को हाल हुए, कई लोगों को वजद हुए, मतलब जो भी एक सिलसिला था अपने अपने मन का। तो मुझे ये लम्हा बहुत खूबसूरत लगता था जब वो तबले और हारमोनियम का सुर सेम करके सजीना स्टार्ट देते थे, ये मेरी कव्वाली से मुनासबत का आगाज़ था। और फिर यह है कि मेरे घर में मेरे वालिद साहब पंजाबी शायरी बहुत पढ़ते थे, मुझे मेरे वालिद साहब लोरी पंजाबी में देते थे, मैं एक बड़ी उम्र तक अपने वालिद साहब के पास ही उनके बाजू पर सर रख के सोता था, वो मुझे ना शाह हुसैन की और मुझे अभी तक याद है कि सुल्तान बाबू का कलाम पढ़ते थे और आखिर में लम्बी सी हूँ करते थे, उसे मुझे नींद आ रही थी। तो ये चीज़ें जो उर्दू का थोड़ा सा वो वालिद की तरफ से आई, वो चीज़ पंजाबी शायरी का मुझे जो शरफ है वो वालिद की तरफ से हासिल हुआ। और पंजाबी शायरी की जो ज़्यादातर एक्सप्रेशन है वो कव्वाली में हमें नज़र आती है, उस्ताद नुसरत फ़तेह खान साहब की शक्ल में और सोलो गायकी में भी। तो इब्तदा मैंने कव्वाली से की, उसके बाद फिर मुझे सोलो में पंजाबी आरिफाना कलाम और उर्दू गज़ल गाने का शौक हुआ। मुझे ये बताएं कि हमारी जो आज की नस्ल है, जो नौजवान है, वो जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के ऊपर मुख्तसर और एक मगरबी आला आदमी लिए जो है और छलांगे लगाते हुए हैं वो नज़र आते हैं। आपको मैंने गुज़िश्ता कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ, आप शलवार कमीज में मलबूस हैं, आप बड़ा सादा और सिंपल अपना जो है अपेयरेंस रखी है, कल्चर से जुड़े हुए हैं आप और क्लासिकी गायकी को आप प्रमोट भी कर रहे हैं और उसको सीख भी रहे हैं आप, ये क्या है, ऐसी तरबियत है, आपका मिजाज है, इसके बारे में बताएं। किसी भी इल्म में किसी भी चीज़ में सीखना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी आने के बाद चीज़ें कुछ आसान होना शुरू हो गई हैं। अभी ये जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इसकी जो फिल्म बन रही है, इसकी एडिटिंग बहुत आसान हो गई है कंप्यूटर की बदौलत। किसी भी चीज़ का मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ है। हुआ इस तरह के
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें फास्ट होना शुरू हुई, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, इन्होंने कहा कि मकसद तो फाइनेंशियल मामला ही हैं, फाइनेंस ही है, तो क्या करना चीज़ें सीख के या इस तरह। तो अभी जब ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि अगर किसी कोई तालिब इल्म या कोई तालबा आए, अगर मौसीकी सीखना चाह रही है, तो जब हम उनको लिटरेचर देते हैं, कुछ इब्तदाई राग देते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, तो वो कहते हैं ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है सरगम करके। इस वजह से तो हमने आगे तालीम मैट्रिक से आगे हमने तालीम हासिल नहीं की। आजकल एक खास क्लास सिस्टम बहुत डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से भी और कैपिटलिज्म की वजह से भी, लेकिन एक खास क्लास में ये रुझान पाया जा रहा है कि यार पढ़ के बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, वो जो टाइम पढ़ने में ज़ाया करना है उससे बेहतर है कोई अपना बिजनेस कर लें, इस्टेब्लिश हो जाए। ये एक बड़ी शॉर्टकट एक बड़ी वजह है, क्योंकि हमें ये देखना है ना गोल्स क्या हैं, गोल्स सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट और तरजीहात भी प्रायोरिटीज वो नहीं। आपने भाई साहब आपने एक सवाल किया था कि पॉप कल्चर, मेरा मुझे घर से एक अपना कल्चर मिला बहुत ज़्यादा देसी कल्चर मिला, तो वो मुझे अच्छा इसलिए लगता है, मैं उसको अडॉप्ट इसलिए किया कि वो मेरा था। अपना कल्चर को अडॉप्ट करने में ऑन करने में आपकी बड़ी मजबूती सी है आपके अंदर होती है, जबकि पॉप कल्चर हमारा नहीं है। और अगर हम अदब के तलब में हैं, हमें पता है कि हम इस्तेमालियत के दौर से गुजरे हैं, कॉलोनियलाइजेशन के दौर से गुजरे हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम उसकी कोई भी चीज़ उसकी बाकियात रहने ना दें, उसे पीछा छुड़ाएं। जब हमें हमारा लिबास भी हमारे पास था, जब हमारी इतनी रिच ज़ुबान उर्दू ज़ुबान अपनी ये ख़ास सन गज़ल की वजह से दुनिया की दीगर मुमताज़ ज़ुबानों से मुमताज़ है, गज़ल एक ऐसी सन है जी बिल्कुल जिस पर दुनिया हैरत को ना आए ये क्या चीज़ है, ये कैसी है, और फिर गायकों ने उसको अमर किया कवाली की सूरत में, सोलो गायकी की सूरत में। लेकिन अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी गिटार अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये जो हारमोनियम भी फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट है, 1800 कुछ में, उन साहब का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के हाथ रहा हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, वो यकीन करें आप ऐसा ही लगता है कि ये हमारी पैदावार है। इसका मतलब है आप कोई भी चीज़ अगर अडॉप्ट करके अपने काम में उसको रंग दें तो आपकी ही लगती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं गिटार उठा लूँ, शराब मिस पहन के भी उस पर कोई अच्छा करूँ तो वो अच्छा है, बुरा नहीं है। दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक ज़ुबान और एक लिबास। इससे आप अपने असलाफ की, अपने कल्चर की और अपने अंदर की आपकी तरजीहात बाहर नज़र आती हैं। एक और बहुत अहम बात यह है, मैंने जो एक्सपीरियंस की बहुत अहम बात, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक, क्लासिकल गायकी और पॉप गायकी। क्लासिकल गायकी में मैं कोई चीज़ गा रहा हूँ और मैंने अपने तबला नवाज को, वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते तबला नवाज, वो मुझे फॉलो करेंगे, वो मेरी गायकी पे ना ताल अपनी रखेंगे। जबकि पॉप म्यूज़िक में अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं है तो आप गा नहीं सकते, आप ऑर्केस्ट्रा के पीछे चल रहे हैं तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, आप उसके मुताज हैं, वो आपके हाथ में सिर्फ एक स्टैंड वाला माइक है बस, और आप ऐसे आगे पीछे देख रहे हैं, जबकि इसमें वो आपको देख रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लेंगे, आगे चलेंगे, ये बहुत बड़ा फर्क। इसका मतलब है ये ट्रेंड सेटर है, वो ट्रेंड फॉलोअर है। तो हमें आसानी से समझ आ गई है बात कि हम इन दोनों में से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करके तरक्की करेंगे, ट्रेंड सेटर बन के या ट्रेंड फॉलोअर बन के। तो ये लोग किस साल कहना चाहते हैं कि आप ट्रेंड सेटर जो है बनना चाहते हैं, बजाय कि आप दुनिया को अपने पीछे लगाना चाहते हैं, ना कि दुनिया के पीछे लगना चाहते हैं। और अपना यही एक जो इंफरादियत होती है नौजवानों में, यही चीज़ तो है जो उनको आगे लेके जाती है। और आज के दौर में हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है और ऐसे नौजवानों पर हमें फ़ख्र होता है कि जो इस किस्म की सोच लेके आए कि वो दूसरों को मगरिब को फॉलो ना करें, अमेंड करें, लें जो चीज़ ले सकते हैं, इम्तिजाज करें म्यूज़िक का, लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी शनाख्त को, अपनी सकाफत को वो बरतक रखें और अपनी चाल जो है जी वो उन जैसी कर लें, या अपनी चाल को भूल के उनकी चाल पे चलें तो हम अपनी जो है वो चाल भी भूल जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, बड़ी आपने मन खेज गुफ्तगू की, बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू की,
इस फिक्र अंगेज गुफ्तगू के बाद आप हमें भी अपना कलाम अता करें, हमारे प्रोग्राम का वक्त बस खत्म हुआ चाहता है। जी बिल्कुल, मैं मौसीकी की कोई हदूद नहीं है तो मैं सब ज़्यादा उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को गाता हूँ, उसके बाद मैं उस्ताद हरिहरन को पसंद करता हूँ। तो हरिहरन जी ने गज़ल गाई थी शहरयार साहब की अलीगढ़ से शायद से वाबस्ता हैं, पढ़ाते भी हैं और मौसीकी पढ़ते भी हैं। लोग फन सीखते तो हैं ही हैं, तो ये इन इस नौजवान के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये
तरक्की करें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे इम्तियाज़ एक्सप्रेशन को और हमदा शमीम को, फिर नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है मुकालमा की। अल्लाह अल्लाह।